वेलकम टू AS Foundations English Learning Series। इस स्पेशल वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी जानेंगे जो कि आपको किसी बुक वीडियो या किसी कोर्स मटेरियल में नहीं मिलेंगी, जैसे कि फनी बोन, पिंकी टो, हॉलेक्स हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं और अक्कल जाड़ का इंग्लिश में क्या नाम होता है। एडिशनली डियर लर्नर्स, ये वीडियो आपकी स्कूल एजुकेशन और डेली लाइफ की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी जो कि कुदरत की सबसे सुंदर क्रिएशंस में से एक है, हम इसे तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। हेड यानी कि सर, टॉर्सो यानी कि धड़, लोअर बॉडी यानी कि निचला शरीर। हमारी बॉडी का कमांड सेंटर यानी कि हमारा ब्रेन, जो कि हमारे स्कल यानी कि खोपड़ी में सेफ रहता है। इसके अलावा हमारे अपर बॉडी पार्ट को टॉप कहते हैं, जो कि हमारे बाल यानी कि हेयर से ढका रहता है। ध्यान दें, एक बाल हेयर और बहुत सारे बाल भी हेयर ही होंगे। चोटी को प्लेट या ब्रेड कहा जाएगा और बालों के जूड़े को बन कहा जाएगा। इसके बाद हमारा माथा, जिसे फॉरहेड कहते हैं। देन हमारा फेस, जिस पर सबसे पहले हमारी स्किन, स्किन कलर को कॉम्प्लेक्शन कहा जाता है और नॉर्मली ये तीन प्रकार का होता है, फेयर यानी कि गोरा, विटिश यानी कि गेहुआ और डार्क यानी कि सांवला। फिर बारी आती है हमारी आँखों की। आँख में आगे की तरफ जो गोल हिस्सा होता है उसे आयरिश कहा जाता है। हमारी आंखों की पुतली को प्यूपिल और बाकी सफ़ेद हिस्से को स्केलरा कहा जाता है। फिर हमारी पलके यानी कि आईलिड्स, हमारी आंखों के बाल यानी कि आईलैशेस और हमारी भौहें, उनको आईब्रोज कहा जाता है। देन हमारे गालों को चीक्स और हमारे चेहरे के नैन नक्श को फेशियल फीचर्स या सिर्फ फीचर्स कहा जाता है। अब बात करेंगे कुछ खास फीचर्स की जो सुंदरता बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जिनमें से डिम्पल्स यानी कि टोए, मोल यानी कि तिल, और किसी की पहचान करने के लिए फीचर्स इस्तेमाल होते हैं, स्कार यानी कि चोट का निशान और कोई और निशान को मार्क कहा जाता है। मूछें यानी मूस्टैच या विस्कर्स होती हैं और दाढ़ी को बियर्ड कहा जाता है। एज के साथ हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, जिन्हें रिंकल्स कहा जाता है। इस शब्द के उच्चारण में W साइलेंट रहेगा। फिर हमारी थोड़ी, जिसे कि चिन कहा जाता है। अब हमारे मुंह यानी कि माउथ की तरफ चलते हैं। यहाँ लिप्स, टंग, टीथ मेन हैं। ध्यान दें कि एक दांत टूथ, जिसका बहुवचन टीथ होता है। नाउ टाइप्स ऑफ टीथ, जो कि टोटल चार तरह के होते हैं। सबसे पहले इंसीजर्स, जो कि आगे की तरफ होते हैं, कैनीन और फिर प्रीमोलर होते हैं, और सबसे पीछे वाले दांतों को मोलर्स कहा जाता है। हमारी अक्कल जाड़ को विस्डम टूथ कहा जाता है और मसूड़ों को गम्स कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि बनावटी दांतों को क्या कहा जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप करें, नहीं तो वीडियो को अंत तक देखें, इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। सो, अब हमारा हेड पोजीशन पूरी हुई। अब बाकी के धड़ की बात करते हैं, यानी कि टोर्सो। पहले बाजू, जहां कंधे यानी कि शोल्डर से हाथ की तरफ चलें तो कंधे के नीचे वाले जोड़ यानी कि आर्मपिट आता है, जिसे कच्छ भी कहा जाता है। हमारी ऊपरी बाजू को अपर आर्म और कोहनी को एल्बो कहा जाता है। हमारी कोहनी के सिरे पर एक खास नस होती है, जिस पर टक्कर लगने से करंट सा लगता है। इस हिस्से को फनी बोन कहा जाता है। फिर हमारी निचली बाजू यानी कि लोअर आर्म और हमारी कलाई यानी कि रिस्ट। ध्यान रहे, यहाँ W साइलेंट है। फिर हमारी हथेली यानी कि पाम और पाँचों उंगलियाँ यानी कि थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और सबसे छोटी लिटिल फिंगर, जिसे हम चीची भी कहते हैं। लर्नर्स, मुट्ठी को फिस्ट कहा जाता है और हमारी उंगलियां हथेली के जोड़ों को नकल्स कहा जाता है। इस स्पेलिंग में के साइलेंट है। अब बारी आती है हमारे धड़ की, यानी कि टोर्सो। सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे छाती कहा जाता है, इसे चेस्ट कहते हैं और औरतों में इसे ब्रेस्ट कहते हैं। हमारी पीठ यानी कि बैक और इसके बीच में होता है स्पाइन। आगे की तरफ हमारा पेट, जिसे हम बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे कि टमी, बैली, गट, स्टमक, एब्डोमेन, और हमारी नाभि को नेवल या टमी बटन भी कहा जाता है। हमारी कमर वेस्ट कहलाती है। ये उच्चारण वेस्ट की तरह है, पर स्पेलिंग में फ़र्क है। आखिर में लोअर टोर्सो आएगा, हमारे कूले यानी कि हिप्स, जिन्हें बटक भी कहा जाता है। नाउ हमारी लोअर बॉडी में है हमारी लेग्स, जिनकी शुरुआत हिप जॉइंट से होती है। फिर हमारे पट या जांग, जिन्हें कि इंग्लिश में थाइस कहा जाता है। फिर हमारा घुटना यानी कि नी, यहाँ स्पेलिंग में के साइलेंट है। हमारी नीचे की लात यानी कि काल्फ, हमारी एड़ी यानी कि हील, और गुट या गिट्टा, जो कि एंकल कहलाता है।
हमारे पैर का पंजा यानी कि पाव। हमारे पैर की उंगलियां, इन्हें फिंगर्स नहीं कहा जाता। सबसे पहले पैर का अंगूठा यानी कि हॉलेक्स, दूसरी उंगली इंडेक्स टो, बीच वाली उंगली मिडल टो, तीसरी उंगली रिंग टो और सबसे छोटी यानी कि चीची उंगली पिंक या पिंकी टो होती है। तो अगर आप अभी तक भी हमारे साथ बने हुए हैं तो धन्यवाद। और दांतों की बात करते वक्त बनावटी दांतों की बात हुई थी जिन्हें कि हम डेंचर कहते हैं। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स रिलेटेड वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। आप अपनी स्टडी संबंधी और किसी टॉपिक पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। ओके लिसनर्स, सी यू देन, बाय।